इंग्लिश ग्रामर का मेन मकसद क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। हम इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम सही सही इंग्लिश लिख सकें, पढ़ सकें और बोल सकें। ओके, जैसे हिंदी सीखने के लिए हिंदी व्याकरण होता है, वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर होता है। ठीक है, तो हमें इंग्लिश ग्रामर को सीखना है। इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश बिगेट कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है। तो वो होती है अल्फ़ाबेट से। किससे होती है जी? अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट्स। इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है, दो कैटेगरी कौन कौन सी होती है? एक होता है वॉवल्स का और एक होता है कॉन्सोनेंट्स का। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का। कम इन, फाइन, एंड यू सर। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, देर आर हाउ मेनी वॉवल्स? फाइव वॉवल्स। देर आर फाइव वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। इट कैन बी रिटन एज कम इन, हु आर यू? ओके, आप पीछे जाओ, बैठ जाओ। देन यू कैन राइट इट ऑल्सो एज कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू। राइट, फॉर कॉन्सोनेंट्स रिमेनिंग आफ्टर ए आई ओ यू ऑल आर कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बी सी डी एफ जी एच जे एट्सेट्रा टिल जेड। ओके, तो वॉवल्स फाइव होते हैं और कॉन्सोनेंट्स रिमेनिंग 21। राइट, हिंदी में हम इन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं और इन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। इन्हीं को लिखने के दो तरीके होते हैं, और वो कौन से? स्मॉल एंड कैपिटल, दो तरीके होते हैं ना, स्मॉल और कैपिटल। तो किसको एबीसीडी पूरा याद है? सबको याद है। ओके, राइटिंग नॉलेज इज इनसफिशियंट फॉर यू ऑल। राइटिंग नॉलेज इज इनसफिशियंट फॉर ए बी सी डी। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ स्पीकिंग ऑल्सो, प्रोनंसिएशन ऑल्सो, दैट हाउ कुड यू प्रोनंसिएट ए बी सी डी एंड एक्स्ट्रा टिल जेड। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्टली आई'ड लाइक टू आस्क यू दैट हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू प्रोनंस ए टू जेड? डू यू नो? आर यू कन्फर्म? आर यू श्योर और नॉट? आपको पक्का यकीन है जो आप जानते हो वो सही है कि नहीं? अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको सीखना चाहिए। अगर आपको यकीन है तो मुझे सुनाइए। मोस्ट ऑफ यू सही बोलते हैं, मोस्ट ऑफ यू, और इसमें से ज़्यादातर वर्ड लेटर्स आप सही बोलते होगे। बट कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे लेटर्स हैं सॉरी, जिनको आप गलत प्रोनंस करते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से जेड, यू ऑलवेज यूज टू प्रोनंस लाइक जेड, बट इट इज रॉन्ग। व्हाट इज इट? जेड। दिस मैटर्स, इससे फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप जीरा दही को जो बोलोगे, जीरा दही बोलते हो ना, अपन जीरा दही के लोग हैं, तो जीरा दही जब बोलते हो तो आप ये बोलते हो जीरा दही, आप बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं जीरा दही।
देयर इज अ डिफरेंस. व्हेन यू से दिस ज, देन यू विल यूज दिस जे. व्हेन यू विल से दिस ज, देन यू विल यूज जेड. एंड ऑल ऑफ अस नो वेल दैट दिस इज द करेक्ट वन. ओके, लाइक जीरा दे, नॉट जीरा दे, इट्स जीरा दे. सो हैंस वी ऑल नो द मिस्टेक्स स्पोकन बाय अस इन ABCD. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन ABCD. If you want to copy that, you can. Pause it. Let's start. पकड़े हैं ना, बस कुछ दबाने की जरूरत नहीं. वर्ड की बात करते हैं. वर्ड क्या होता है? जैसे हमने लेटर्स पढ़ा ना, अब यही लेटर्स जब एक अच्छे मैनर में, मीनिंगफुल मैनर में, जिससे कोई मतलब निकले, ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा ग्रुप जिसका कोई मतलब निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहेंगे. तो डेफिनेशन क्या बनता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल मैनर इज कॉल्ड वर्ड. सो लाइक अ ग्रुप ऑफ word arranged in a meaningful manner is called a word. For example, मैं आपको अभी example से clear कर दूंगा कि किसको word कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं. जैसे देखिए, PLAY, they are in arranged form, then इसका कोई मतलब निकलता है. क्या मतलब होता है आप जानते हो. तो play का मतलब होता है खेलना, और खेलना एक मतलब तो बन रहा है ना, इससे हम समझ पा रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये word है. लेकिन अगर हम LYPA ऐसे लिख दें तो क्या पढ़ोगे? लीपा. क्या पढ़ोगे? नहीं पता, आपने ऐसा वर्ड ही नहीं देखा और ना ही आपको समझ में आ रहा है. इसका कोई मतलब नहीं होता. जब इसका कोई मतलब नहीं होता तो ये वर्ड नहीं होता. ये होता कौन है? ये वर्ड नहीं होता. ये बस एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये वर्ड नहीं है. ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन वर्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका अरेंजमेंट मीनिंगफुल मैनर में नहीं हुआ है. और जब इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है तो ये वर्ड कहेगा. अंडरस्टैंड? तो आप समझ गए ना, वर्ड किसे कहते हैं और वर्ड किसे नहीं कहते हैं. ठीक है, वैसे ही सेंटेंस के बारे में भी है. अगर सेंटेंस के बारे में भी हम देखें तो सिमिलरली सेम सिचुएशन सेंटेंस के भी साथ होती है कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड एक मीनिंगफुल मैनर में अरेंज है जिससे कंप्लीट सेंस निकलता है. सेंस निकलना और कंप्लीट सेंस निकलने में दोनों में बहुत फर्क होता है. सेंस तो जैसे खेलने से भी निकल रहा है लेकिन इसको सेंटेंस थोड़े बोल देंगे. प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, अब इससे भी तो सेंस निकल रहा है लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंस है, कंप्लीट नहीं है. फुटबॉल खेलने से क्या कहना, क्या चाहते हो भाई? हमें तो कुछ समझ में आए, फुटबॉल खेलना हमने भी सुना है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? फुटबॉल खेलना अच्छी बात है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, कि क्या कहना चाहते हो? ये कंप्लीट नहीं होता तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट कहेंगे. तो कंप्लीट सेंस जो देता है ना उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस, हाँ, हैविंग अ कंप्लीट सेंस is known as a sentence.
अंडरस्टूड? मतलब ऐसा वर्ड का ऐसा ग्रुप, कई सारे वर्ड्स है उनका एक ग्रुप है जिससे कि एक कंप्लीट सेंस निकलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि सेंटेंस होगा कि नहीं होगा। आपको पता है फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट ये सीख चुके हैं कि सेंटेंस कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट। यस्टरडे आई वाज चेकिंग द कॉपीज ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट क्लास ऑफ माय स्कूल। तो उनमें से कितने फर्स्ट और सेकंड क्लास को मिला के 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनने 30 out of 30 गेन किया इंग्लिश में। 30 out of 30, दिस इज अ ह्यूज स्कोर आई थिंक। लिसन, तो ऐसे सेंटेंस जिनके पास कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। टुडे इज हॉट, आज गर्मी है, कंप्लीट सेंस है आज गर्मी है, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अगर इसी को मैं ये कह दूं, इज हॉट, सिर्फ इतना लिख दूं इज हॉट, तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। गर्म है, क्या गर्म है, क्या गर्म है, कंप्लीट सेंस नहीं है। तो इसीलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। और टुडे इज हॉट से कंप्लीट सेंस आता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? इनफैक्ट आई यूज टू ट्राई टू एलेबरेट एवरी सिंगल पॉइंट विच कैन बी योर डाउट। सो आई होप कि आपको ऐसे ही आगे भी कभी कोई डाउट ना हो, ठीक है, पढ़ाने के बाद। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बारीकी से, इतने लो लेवल से आपको लेके चलूं कि आपको कोई डाउट बने ही ना, ठीक है? चलिए कॉपी होल्ड इट, ओके। देखिए वर्ड और सेंटेंस का डेफिनेशन समझने के बाद और ये जानने के बाद कि वर्ड किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं, ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना कि कौन सा वर्ड कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। हर एक वर्ड का अपना एक नेचर है। जैसे प्ले, प्ले एक काम को दिखाता है, वैसे ही कोई नाम एक नाउन को डिनोट करता है, करता है ना? तो इसी तरीके से डिफरेंट नेचर के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, जैसा उनका नेचर है, जिस तरीके से वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी के बिहाफ पे हमने उनको कैटेगराइज कर लिया, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में उसको बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया, यानी डिफरेंट कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई कर दिया। वही डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें उन्हें हमने रखा है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सो वी हैव अ डेफिनेशन, words are categorized according to their nature, these categories of words are called parts of speech। मतलब words को हमने different categories में उनके nature के हिसाब से बांट रखा है, ठीक है? वही categories जिनमें उनको बांट रखा है, वही categories क्या कहलाते हैं, parts of speech कहलाते हैं। is that clear? good। for example हमारे पास एक कोई भी सेंटेंस, आप में से कोई भी एक सेंटेंस बोल सकता है। कोई है जो जानता हो एक कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में? बोलिए। राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। अब समझिएगा क्या, ये एक पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है ना, इसमें राम क्या है, एक नाउन है। नाउन में भी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इज क्या है, वर्ब है, और वर्ब में भी कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ए क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल है जी, इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन में भी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। मतलब हर एक वर्ड को देखिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक वर्ड कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, यानी अगर ये डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करके एक साथ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो
तो यानी हर एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है, हमें यह जानना होता है कि यहां पर कौन सा यूज होगा, उसके साथ कैसा बिहेव होगा। ठीक है, अब वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज किया जाता है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जैसे आप रूम लेते हो रेंट पे तो एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है ना जी, कि हर मंथ का मैं इतना पेमेंट करूंगा और इतने साल के लिए मैं रूम रख लिया हूं, आपको नहीं दूंगा। ठीक है, ये होता है। जैसे अगर रूम ऑनर चाहे, एग्रीमेंट है 11 महीने का पहला एग्रीमेंट बनता है, अगर 11 महीने का एग्रीमेंट है, अगर रूम ऑनर चाहे कि 2 महीने बाद हटा दें और जो उसमें रेंट पे है वो नहीं चाहता हटना, तो रूम ऑनर की औकात नहीं है, हटा दे। ये रियलिटी है, इसीलिए लोग एग्रीमेंट करते हैं कि बीच में ही उनको रूम छोड़कर यानी मकान छोड़कर खाली ना करना पड़े, इधर उधर ना भटकना पड़े, इसके लिए एग्रीमेंट करते हैं। अब जब रूम ऑनर होता है वो अगर उनको मना लिया, प्यार से फुसला लिया, तो भले ही वो निकल जाए एग्रीमेंट तोड़कर, लेकिन एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि हम हैं तो हम हैं, जब तक एग्रीमेंट है तब तक हम हैं। ठीक है, आप हम पे हुक्म नहीं चला सकते, भले आपकी प्रॉपर्टी है तो क्या, समझ गए, नहीं तो लीगल एक्शन हो जाएगा। वैसे ही यहां पर है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक ट्रीटी होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि सिंगुलर के साथ ऐसा वर्ब यूज होगा, प्लूरल के साथ ऐसा होगा, नाउन के साथ ये, प्रोनाउन के साथ ये सारी चीजें डिफरेंट तरीके से यूज होती हैं, उसका एक एग्रीमेंट होता है, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, अब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को आना है तो ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट किस कैटेगरी का है ना। तो जब कैटेगरी पता होगी इसकी तो डिसाइड किया जाएगा कि वर्ब कौन सा लगाया जाए। जब वर्ब लग गया और फिर ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला नाउन है, तो कॉम्प्लीमेंट वाले नाउन के हिसाब से हम आर्टिकल भी लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट वाला नाउन अगर यूनिटरी है, दुनिया में अकेला है, तो वहां पे अ ना लगा के द लगाएंगे। क्या चीज, अगर दुनिया में अकेला है तो हम क्या लगाएंगे, अ ना लगा के द लगाएंगे। यानी डिपेंड करता है ना जी कि यहां पर क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि हम इसके पहले क्या लगाएंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से को रिलेटेड है, और इसीलिए ग्रामर सीखने के लिए हमें जरूरी होता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज बहुत अच्छे से रखें। ठीक है, तो आइए हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज गेन करते हैं। उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली एट पार्ट्स होते हैं। आर्टिकल्स को हम लोग डिटरमाइनर्स में पढ़ लेंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगभग 8 होते हैं, हम 8 ही बताते हैं आपको। ठीक है, आर्टिकल्स को अलग से हम पढ़ लेंगे। पहला है नाउन। एज मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी नोइंग अबाउट इट, नाउन इज एवरीथिंग, राइट। जैसा हम शॉर्ट डेफिनेशन यूज करते हैं, नाउन इज एवरीथिंग, या एवरीथिंग इज नाउन, डेफिनेशन खत्म। ठीक है, सिंगल वर्ड डेफिनेशन हो गया, है ना, एवरीथिंग नाउन। अब आप सोचो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इसमें, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है एवरीथिंग, इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप किसी भी चीज के बारे में सोचो और मुझे बताओ कि किस चीज के बारे में सोच रहे थे। वो हर एक चीज नाउन है। किसी भी चीज को देख के देखो, जो भी चीज आपको दिख जाए वो नाउन है। क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है ना, नाउन है। क्या दिख रहा है आपको, मैं भी नाउन हूं, मेरा एक नाम है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, नाउन है, समझ गए ना। तो हर एक चीज जो आपको दिखाई देती है, हर एक चीज नाउन है। सुनाई देती है वो भी नाउन है, महसूस होता है वो भी नाउन है। तो सोचिए, हर एक चीज नाउन है ना, तो इसीलिए मैंने कहा एवरीथिंग इज नाउन। सेकंड, प्रोनाउन। माय स्टूडेंट्स, यू ऑल नो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन
मतलब नाउन को जो रिप्लेस करके उसके जगह पे आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? देखिए कितना सिंपल। आप प्रोनाउन अगर बुक में पढ़ने जाओगे तो ये कहा जाएगा अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन एंड कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इतना रटने से अच्छा है हम बस इतना जाने रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, है ना, मतलब वही है बस, हमने प्रोसेस कर दिया उसने। तो आपको समझा भी देते हैं इसी के साथ में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन हम क्यों कहते हैं, जैसे मैंने बोला पवन, पवन पुत्र हनुमान, पवन इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ही इज वेरी ओबेडियंट। चलो थोड़ी सी तारीफ कर लेते झूठी, ही इज वेरी ओबेडियंट। अब देखिए पवन इज अ स्टूडेंट, ही इज वेरी ओबेडियंट, हम चाहते तो पवन को दोबारा यूज कर लेते, उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम पवन को दोबारा यूज कर लेते, लेकिन हम पवन की जगह पे ही का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, पवन को ही डिनोट कर रहे हैं, कर किसको रहे हैं, पवन के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, पवन की जगह ही का यूज कर दिया, यानी नाउन की जगह हमने एक वर्ड यूज कर दिया, और यही वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया प्रोनाउन क्या है और नाउन क्या है, समझ आ गया ना, ये प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कैसे करता है ये भी समझ आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। तो हम चलते हैं अब एडजेक्टिव पे। थर्ड एडजेक्टिव, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, मैंने आपको लिखवाया है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको मैंने लिखवाया है आइडेंटिफाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है। अब आप सोचोगे आइडेंटिफाई कैसे करता है जी, सेंसर लगा है, नहीं ना, तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा, जैसे देखिए पवन इज अ सिंपल एग्जांपल, पवन इज अ गुड बॉय, मैंने अब गुड को कुछ देर के लिए अगर छिपा लें तो क्या पवन इज अ बॉय, जानते हो कि नहीं तुम, ठीक है पवन इज अ बॉय वो तो है, लेकिन कैसा लड़का है, गुड बॉय, आइडेंटिफिकेशन हो गई ना कि ये गुड है, अगर बैड लिख देते तो वो भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती कि बैड है, तो ये आइडेंटिफाई करवाता है, यानी उसके बारे में और भी कुछ बताता है जिससे उसे समझना आसान हो जाए, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, एडजेक्टिव कहते हैं। ये क्या करता है, बॉय के बारे में आइडेंटिफिकेशन देता है कि वो अच्छा है, ठीक है, क्वालिटीज डिसक्वालिटीज बताता है, यानी किसी पर्सनैलिटी की या किसी थिंग की, किसी एनिमल की, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की अगर क्वालिटी डिसक्वालिटी बताता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन क्वालिटी और डिसक्वालिटी के अलावा भी वो काउंटिंग्स बताता है, यानी नंबर बताता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, उन पे पोजीशन बताता है, ये बहुत सारी चीज़ें बताता है, और इसको आप ऐसे सेंटेंस में जैसा कि नॉर्मली बुक्स में देता है, मैं उनके खिलाफ हूँ जो बुक्स में ये लिखते हैं एडजेक्टिव अ वर्ड दैट दैट टेल्स अबाउट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, कुछ बुक्स में ऐसे लिखता है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ कि सिर्फ क्वालिटी थोड़े ना बताता है, क्वालिटी थोड़े ना बताता है, क्वांटिटी भी तो बताता है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा आइडेंटिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन या फिर क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, आप क्वालिफाइज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यानी उसके बारे में इतना कुछ बता दे कि हमें कोई जानकारी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ वर्ब की, वर्ब
वर्ब को हम सिर्फ इतना लिखते हैं शोज एक्शन। वर्ब को हम क्या लिखते हैं? शोज एक्शन लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। ये एक्शन के साथ साथ हमें ये भी बताता है कि टेंस कौन सा है। टेंस यानी काल, वो काल नहीं, काल मतलब समय, जो आपका काम जो हो रहा है या हो गया है इसके बारे में बताता है कि काम का समय क्या था, पीरियड क्या था, पीरियड ऑफ वर्क क्या था। ठीक है, था, है या होगा। ठीक है, हो रहा है, हो चुका है या फिर कुछ हो भी गया है और कुछ चल भी रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने का काम कौन करता है? वर्ब कहता है। ठीक है, इसके जो टाइप्स होंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अब पांचवा देखते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। तो एडवर्ब क्या है जी? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, अ वर्ड दैट मोडिफाइज, मोडिफाई, मोडिफाई गाड़ियाँ देखे हो ना कि उसका साइलेंसर इतना बड़ा लगा दिया। अरे कुछ लोग तो पता है साइलेंसर कैसे लगा देते हैं, कुछ लोग ये जो स्प्लेंडर प्लस होती है ना उसमें बुलेट वाला साइलेंसर लगा के भटभटाते रहते हैं एकदम से, तो वो मॉडिफिकेशन है। वैसा ही मॉडिफिकेशन कुछ एडवर्ब भी करता है कि जिसमें जो चीज़ नहीं होती है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर लेता है। जैसे मैं आपको सेंटेंस एक बताता हूँ, हिरन्स वेरी फास्ट। अब देखिए, अब धीरे धीरे चलते हैं, इन दोनों को बंद कर लीजिए। हिरन्स दौड़ता है, हमें पता है दौड़ रहा है। हिरन्स फास्ट, वेरी को रोक दीजिए, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, तो दौड़ने को भी ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर दे रहा है कि तेज दौड़ रहा है। ठीक है, फिर वेरी उसमें अलग से लगा दिया, कह रहा है हिरन्स, देखो पहले क्या था हिरन्स, फिर क्या हुआ हिरन्स फास्ट, फिर क्या क्या हो गया है हिरन्स वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज दौड़ रहा है। समझ गए ना बात को? तो ये किसको मॉडिफाई करता है जी? मॉडिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। अब मैं समझाता हूं कि वर्ब को और अनदर एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ये वाला जो फास्ट है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना जी। और उस वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये वेरी क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है। समझ गए ना बात? और इसीलिए हम क्या कहेंगे कि फास्ट भी एडवर्ब है और इस एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला वेरी भी एडवर्ब है। फास्ट क्यों एडवर्ब है जी? क्योंकि फास्ट रन्स, यानी रन्स को, रन्स क्या है? वर्ब है। रन दौड़ना क्या है? काम है, एक्शन है। तो इस एक्शन को यानी इस वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? फास्ट कर रहा है। और इस फास्ट को मॉडिफाई कौन कर रहा है? वेरी कर रहा है। जो एक्शन को मॉडिफाई करे यानी वर्ब को जो मॉडिफाई करे उसे एडवर्ब कहते हैं, और जो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे उसे भी एडवर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज समझ गया ना? अब हम आपको एग्जांपल लिख देते हैं जिसमें ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। शी इज वेरी प्रिटी। अब देखिए, प्रिटी एक एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या है? वेरी है, जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है। और ये क्या है जी? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। क्लियर है? किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो, है ना? नहीं है ना? वेरी गुड, डाउट होना भी दीजिए। एडवर्ब के बाद क्या आता है जी? प्रीपोजिशन। अब देखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना है, इसका शॉर्ट डेफिनेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, इसका शॉर्ट डेफिनेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं आपको आराम से समझाते हैं। रिलेट्स नाउन और प्रोनाउन
प्रोनाउन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है किससे, किससे रिलेट करता है जी, टू द सब्जेक्ट, या फिर आप ऐसा कह सकते हो टू द रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल टू द क्लॉज कह सकते हो, रिमेनिंग सेंटेंस क्लॉज ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। He is sitting on a chair. देखिए He is sitting on a chair. इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वह चेयर पर बैठ रहा है। तो यहाँ पर on जो है वो इस noun का relation create करा रहा है किससे, इस पूरे clause से, कि वो बैठ तो रहा है, कहाँ बैठ रहा है, चेयर पर बैठ रहा है। ये कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है, ठीक है। तो इस नाउन का रिलेशन इसने क्रिएट किया इस पूरे क्लॉज से, और इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। ऑन तो है ही, ठीक है, क्लियर हुआ। आप अभी फिलहाल इतना नोट करें, ठीक है, आगे हम और चलते हैं। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन बचा है, इतने में हम समझा सकते हैं। रोकना मत वीडियो, वीडियो मत रोकना। सेवेंथ कंजंक्शन, कंजंक्शंस वर्क्स लाइक अ फेविकॉल। फेविकॉल देखा है ना, फेविकॉल का काम क्या होता है, चिपकाना होता है ना, किसी दो चीज़ को आराम से चिपका देती है ना, वैसे ही फेविकॉल की तरह इसका भी कंजंक्शन का भी काम होता है। इसको हम शॉर्टली फेविकॉल ही बोलते हैं, लेकिन आपके लिए मैं लिख देता हूँ, जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने के काम में आता है, ठीक है, वर्ड्स और सेंटेंसेस। बोर्ड छोटा है इसलिए हमारी हमारा फॉन्ट भी छोटा है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता तो हम बड़ा करके दिखा देते इससे जूम, ठीक है। एट्थ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस आर सडन फीलिंग्स, जो हमारे मन में हमारे अंदर अचानक से जो फीलिंग आ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो और जाके लड़ गए खंभे में, ठीक है, तो आवाज़ क्या निकलती है, आई मम्मी निकलती है ना आवाज़, तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। वही आवाज़ जो आपकी आहे मम्मी वाली आवाज़ निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होती है, सडन फीलिंग्स। डन, कॉपी, पॉज इट, पॉज।